हेलो बच्चों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। नीट 2019 में पूछा गया था, विच पेयर इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करा जाता है। मतलब बायो फर्टिलाइजर का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरे प्लांट्स में या सॉइल में वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑप्शन थे एस्परजिलस एंड साइनोबैक्टीरिया, एस्परजिलस राइजोपस, राइजोबियम या राइजोपस एंड साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। तो आप सबको पता है राइजोपस तो नहीं होगा, वो तो ब्रेड मोल्ड है, उसका यहाँ कोई रोल ही नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन गलत हो गए। एस्परजिलस भी सिट्रिक एसिड बनाता है फंगस, उसका भी कोई रोल नहीं है। साइनोबैक्टीरिया का होता है बट इसका नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गया। और बचता है साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। तो साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट होते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, और राइजोबियम तो आपको पता ही है नाइट्रोजन फिक्सिंग है ही। और ये इन्फॉर्मेशन 188 पेज नंबर पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में आपको मिल जाएगी कि भाई राइजोबियम जो है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म व्हिच इज यूज्ड बाय प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट, और साइनोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है, दे ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन। तो ये दोनों क्या है, सॉइल में न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये 2019 में भी क्वेश्चन आया, 2017 में भी यहां से क्वेश्चन आया, तो इसको जरूर करके जाइएगा। और इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।